हाय गाइस वेलकम बैक तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स एमसीिक्यूज फॉर चैप्टर एट यूनिट वन दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इन डिमांड तो जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में आपके स्टडी मटेरियल में एमसीिक्यूज है हम वही डिस्कस कर रहे हैं ठीक है थीके? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो चलिए ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए एनी थिंग डैट वुड एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज मनी देखिये ये स्टेटमेंट मुझे थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है क्योंकि मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो है ये तो करेक्ट है लेकिन मीडियम ऑफ एक्सचेंज होने के अलावा मनी एक स्टोर ऑफ वैल्यू भी है राइट और मनी इज ऑल्सो यूनिट ऑफ अकाउंट तो देखिये सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहना मनी को ये थोड़ा सा मुझे इनकम्प्लीट यहाँ पे लग रहा है So, ये मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट लग रहा है लेकिन बाकी ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं देखिये ऑप्शन बी मनी देखिए ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि मनी की जेनरलाइज परचेसिंग पावर होती है यानी कि मनी कैन बी यूज टू बाई लॉट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइट ऑलमोस्ट ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आजकल हम मनी या मनी बैलेंस की खरीदते हैं एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर सेटलमेंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन आजकल बात बाटर सिस्टम तो बिल्कुल खत्म ही हो गया है राइट पीपल यूज मनी सो दैट्स वाई ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन सी मनी इज अ टोटली लिक्विड एसेट एंड प्रोवाइड्स अस विट मीनस टू एक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज ये भी बिल्कुल करेक्ट है मनी एक लिक्विड एसेट है यानि कि हम मनी को इमिडिएटली यूज कर सकते हैं टू बाई गुड्स एंड सर्विसेस ऑप्शन डी currency विच रिप्रेजेंट्स मनी does नॉट necessarily हैव intrinsic वैल्यू ये भी करेक्ट है देखिए करेंसी तो एक पीस ऑफ पेपर ही तो है राइट जिसका कोई अपना मटेरियल वैल्यू नहीं है अगर हम फियाट करेंसी की ही बात करें तो फियाट करेंसी तो देखिए रिजर्व के थ्रू बैक्ट भी नहीं होता तो ये करेंसी इसकी वैल्यू कहाँ से आती है बेसिकली पीपल ट्रस्ट द इंस्टीट्यूशन दैट प्रोड्यूस मनी राइट तभी मनी की वैल्यू होती है इट इज गवर्नमेंट बाई ट्रस्ट द गवर्नमेंट तभी मनी की वैल्यू होती है लेकिन अपने आप, आप में एक पीस ऑफ पेपर की कोई इंटेंसिक वैल्यू नहीं होती ठीक है सो देखिए बी सी एन डी स्टेटमेंट तो करेक्ट है सो so, यहाँ पे इनकरेक्ट या फिर इनकम्प्लीट स्टेटमेंट आपका हुआ स्टेटमेंट ए सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर टू मनी परफॉर्म्स ऑल ऑफ द थ्री फंक्शन मेंशन बिलो नेमली ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज प्राइस कंट्रोल या स्टोर ऑफ वैल्यू बी यूनिट ऑफ अकाउंट स्टोर ऑफ वैल्यू एंड प्रोवाइड सी मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूनिट ऑफ अकाउंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू या फिर डी मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूनिट ऑफ अकाउंट एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन देखिए जो थ्री फंक्शन मनी परफॉर्म करती है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूनिट ऑफ अकाउंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू सो ऑप्शन सी वु बी द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थ्री डिमांड फॉर मनी इज ए डिराइव डिमांड बी डायरेक्ट डिमांड सी रियल इनकम डिमांड या फिर डी इनवर्स डिमांड आंसर इज डिराइव डिमांड देखिए मनी की हम डिमांड क्यों करते हैं मनी हमें क्यों चाहिए होता है ताकि हम मनी से कुछ परचेज कर सके राइट टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज तो मनी की डिमांड एक्चुअली वो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हो रही है यानी कि मनी की परचेजिंग पावर के लिए हो रही है ताकि वो मनी से बाकी गुट सर्विसेज खरीद सके तो एक्चुअल में लोग मनी के लिए मनी को नहीं डिमांड करते बट मनी क्या कर सकती है आगे राइट right? क्या खरीद सकती है उसके लिए लोगों को मनी की डिमांड होती है सो so हम डिराइव डिमांड कहते हैं क्वेश्चन नंबर फोर हायर द डैश हायर वुड बी डैश ऑफ होल्डिंग कैश एंड लोअर विल बी द डैश यहाँ पे भी एक डैश ठीक है तो चलिए ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन ए डिमांड फॉर मनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंटरेस्ट रेट देखिए ये साइमल्टेनियसली हमें ये ब्लैंक्स में फिल करता है जो ये पहला है ये पहले ब्लैंक में सेकंड सेकंड वाले और थर्ड थर्ड वाले में ठीक है तो चलिए करेक्ट ऑप्शन इनमें से कौन सा है वो देखते हैं ऑप्शन बी प्राइस लेवल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंटरेस्ट रेट सी रियल इनकम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या डिमांड फॉर मनी एंड डी इंटरेस्ट रेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड डिमांड फॉर मनी देखिए करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे डी हायर द इंटरेस्ट रेट हायर वुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश एंड लोअर वुड भी द डिमांड फॉर मनी देखिये जब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हायर होती है ना तो क्या होता है इंटरेस्ट रेट मतलब जो बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट है राइट तो देखिये अगर बॉन्ड की इंटरेस्ट ज्यादा है तो लोगों को बॉन्ड में इन्वेस्ट करने में ज्यादा फायदा होगा राइट ज्यादा इनकम मिलेगा उनको इंटरेस्ट इनकम तो अगर वो बॉन्ड में होल्ड नहीं करके कैश होल्ड करते इस टाइम पे तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश है तो व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश ये जो इंटरेस्ट आ रहा है बॉन्ड में राइट right? तो अगर इंटरेस्ट ज्यादा है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश भी ज्यादा होगा तो अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है तो लोग क्या करेंगे लोग मनी की डिमांड कम करेंगे राइट right? यानी कि लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट करने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे मोर देन होल्डिंग मनी ठीक है सो दैट्स वाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा होती है इंटरेस्ट ज्यादा होने से और डिमांड फॉर मनी ठीक है सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फाइव द क्वान्टिटी थ्योरी ऑफ मनी होल्ड दैट देखिये क्वान्टिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या कहती है इसका मेन मुद्दा क्या है कि जो चीजों की प्राइसेस में चेंज आती है ना उसका मेन कारण होता है कि आपने जो क्वान्टिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन है उसे चेंज कर दिया अगर आप क्वान्टिटी ऑफ मनी या मनी इन सर्कुलेशन चेंज करोगे तो चीजों की प्राइसेस ऊपर नीचे होती है ठीक है तो ये मेन मुद्दा था तो चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए चेंजेस इन जनरल लेवल ऑफ कमोडिटी प्राइसेस आर बाय द चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ मनी तो ये बिल्कुल करेक्ट है यही अभी हमने कहा था राइट बी देर इज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड प्राइस लेवल एंड द क्वांटिटी ऑफ मनी इज द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस देखिए ये भी सेम चीज है थोड़ी अलग डिफरेंट लैंग्वेज में बताई गई है लेकिन बिल्कुल सेम चीज कही गई है राइट कि मेन डिटर्मिनेंट प्राइस लेवल में चेंज होने का मेन डिटर्मिनेंट मेन कारण क्या है इट इज द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी सी चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ मनी और परचेजिंग पावर ऑफ मनी आर डिटर्माइंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बाय चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन देखिए अगेन ये भी सेम चीज बता रहा है लेकिन थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज में देखिए प्राइस लेवल में चेंज होने का मतलब है परचेसिंग पावर ऑफ मनी चेंज होना राइट right? दोनों एक ही बात है तो इसका मेन कारण क्या है द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन तो ये भी करेक्ट है तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी ऑल ऑफ क्वेश्चन नंबर सिक्स द कैम्ब्रिज अप्रोच टू क्वांटिटी थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज ए कैश बैलेंस अप्रोच बी फिशर्स थ्योरी सी क्लासिकल अप्रोच या फिर डी कैनेशियन अप्रोच देखिए कैम्ब्रिज अप्रोच को हम कैश बैलेंस अप्रोच भी कहते हैं जो फिशर्स थ्योरी है ये तो हमारा ट्रेडिशनल क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है राइट right? इसको हम क्लासिकल अप्रोच भी कहते हैं फिशर्स थ्योरी एंड क्लासिकल अप्रोच आधर सेम और जो कैनेशियन अप्रोच है इसका दूसरा नाम क्या है इसका दूसरा नाम है लिक्विडिटी प्रिफ्रेंस थ्योरी राइट सो ओके हमारा यहाँ पे तो करेक्ट ऑप्शन है ए Cambridge approach is also known as cash balance approach. Question number seven Fisher's approach and the Cambridge approach to demand for money consider a money's role in acting as a store of value and therefore demand for money is for storing value temporarily, b money as a means of exchange and therefore demand for money is termed as for liquidity preference, c मनी एस अ मींस ऑफ ट्रांजेक्शन एंड देर फॉर डिमांड फॉर मनी इज ओनली ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी या फिर डी नन ऑफ दी अब देखिए दोनों फिशर के एंड अप्रोच में मनी का मेन रोल माना गया है फॉर ट्रांजेक्शन पर्पस ओनली और ये माना गया है कि जो लोग मनी की डिमांड करते हैं तो वो एक्चुअली ट्रांजैक्शन डिमांड ही होता है सिर्फ ट्रांजैक्शन करने के लिए ही मनी की डिमांड की जाती है तो दोनों अप्रोच में ये चीज मानी जाती है इसलिए ये दोनों अप्रोच एक्चुअली क्वांटिटी थ्योरी की uh, अंतर्गत ही आते हैं दोनों ही अप्रोच राइट क्योंकि दोनों में ही ये मानना इनका सेम है कि मनी इज मेनली यूज एज अ मीन्स ऑफ ट्रांजेक्शन ओनली ठीक है सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर एट रियल मनी इज ए नॉमिनल मनी एडजस्टेड टू द प्राइस लेवल बी रियल नेशनल इनकम सी मनी डिमांडेड एट गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर डी नॉमिनल जीएनपी डिवाइडेड बाय प्राइस लेवल देखिए रियल मनी होता है अगर आप नॉमिनल मनी से प्राइस लेवल को एडजस्ट करो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करो फिर हमें रियल मनी मिल जाता है ठीक है सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर नाइन द प्रिकॉशनरी मनी बैलेंस पीपल वॉन्ट टू होल्ड ए इज इनकम इलास्टिक एंड नॉट वेरी सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट बी is income inelastic and very sensitive to rate of interest c are determined primarily by the level of transaction they expect to make in the future or d are determined primarily by the current level of transactions they precautionary money precautionary motive in his theory called the liquidity preference theory right और कीन्स का ये मानना था कि देखिए प्रिकॉशनरी मनी लोग क्यों रखते हैं ताकि फ्यूचर में अगर कोई अनफोर्सिंग सरकमस्टेंसेज आए कोई कॉन्टेंट आए तो उसके लिए लोग एक बैलेंस रखते हैं जिसको हम प्रिकॉशनरी मनी कहते हैं और ये प्रिकॉशनरी मनी कीन्स कहते हैं कि ये इनकम में डिपेंड करता है ठीक है कि अगर ज्यादा इनकम है तो लोग ज्यादा प्रिकॉशनरी मनी रखेंगे लोअर इनकम तो लोअर और ये इंटरेस्ट रेट से बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है इट इज नॉट वेरी सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इट इज इनकम इलास्टिक यानी इनकम में डिपेंड करता है एंड इट इज नॉट वेरी सेंसिटिव टू रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में सेंसिटिव होता है ना वो आपका स्पेक्यूलेटिव मनी होता है ठीक है स्पेक्यूलेटिव मनी का पर्पज ही यही होता है कि आप उसे स्पेक्यूलेट कर सके ठीक है तो वो इंटरेस्ट में इंटरेस्ट uh, रेट के साथ सेंसिटिव होता है और अगर आप ट्रांजेक्शन के लिए मनी यूज कर रहे हो तो ये ट्रांजेक्शन मोटिव के अंतर्गत आता है ये मोटिव के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है तो देखिए करेंट ऑप्शन आपका है ए क्वेश्चन टू इंटरेस्ट रेट इज नेगेटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट या फिर इज द जनरल प्राइस लेवल देखिए अभी अभी हमने कहा था कि स्पेक्यूलेटिव डिमांड जो है वो इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड तो करता है लेकिन क्या वो पॉजिटिवली रिलेटेड है या नेगेटिवली देखिए इट इज नेगेटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट यानी कि बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट राइट तो क्या होता है देखिए जब भी बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होती है ना तो लोगों को ज्यादा बॉन्ड होल्ड करने का मन करता है राइट ये हायर इंटरेस्ट का उन्हें फायदा उठाने का मन करता है कि उनको ये इंटरेस्ट इनकम आए तो इस सिचुएशन में जो कैश होल्ड करने की डिमांड है ना वो कम हो जाती है लोग कैश होल्ड करने की जगह चाहेंगे कि वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करे तो देखिए जब इंटरेस्ट हाई होता है तो कैश की डिमांड कम होती है ठीक है तो इट इज ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है ना दोनों सो नेगेटिवली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन नंबर इलेवन अकॉर्डिंग टू किंग्स इफ करेक्ट इंटरेस्ट रेट इज हाई ए पीपल विल डिमांड मोर मनी because the capital gain on bonds would be less than the return on money b people will expect the interest rate to rise and bond price to fall in future c people will expect the interest rate to fall and bond price to rise in the future ya d either a or b will happen dekhiye thoda detail current interest rate high right यानी कि बॉन्ड की अभी इंटरेस्ट जो है बी में लिख देती हूँ वो हाई है तो इस टाइम पे क्या होगा लोगों को ज्यादा बॉन्ड होल्ड करने का मन करेगा क्योंकि उनको ये इंटरेस्ट इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट का फायदा उठाने का मन करेगा तो कैश की डिमांड यहाँ पे कम होगी लेकिन सिर्फ एक इंटरेस्ट ही एक वजह नहीं है जिसकी वजह से लोगों को बॉन्ड होल्ड करने का मन करेगा एक और भी रीजन है वो है कि देखिए अगर करेंट इंटरेस्ट रेट हाई है तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फ्यूचर की इंटरेस्ट रेट है ना वो कम होगी ठीक है और अगर फ्यूचर की इंटरेस्ट रेट कम होगी तो फ्यूचर में जो बॉन्ड की प्राइस है ना ये इंक्रीज होगी क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है बॉन्ड का और बॉन्ड की प्राइस है ये भी इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर होते हैं ठीक है थीके? तो यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो प्राइस इंक्रीज होगी और बॉन्ड की प्राइस इंक्रीज होगी तो लोगों को कैपिटल गेन मिलेगा राइट वो ये इंक्रीजिंग प्राइस का उन्हें फायदा मिलेगा तो देखिए करेंट इंटरेस्ट राइज होने पे एक तो लोगों को इंटरेस्ट का फायदा मिलेगा इसलिए वो बॉन्ड होल्ड करना चाहेंगे और कैश कम होल्ड करना चाहेंगे ठीक है और दूसरा ये है कि करेंट इंटरेस्ट अगर हाई है तो फ्यूचर में इंटरेस्ट कम होगा और फ्यूचर में प्राइस राइज होगी और लोगों को कैपिटल गेन होगा तो इस वजह से भी जब इंटरेस्ट हाई होता है तो लोग बॉन्ड को होल्ड करना चाहेंगे तो मेनली ये दो फैलन होता है तो देखिए अब ऑप्शन ए कह रहा है कि पीपल विल डिमांड मोर मनी जो कि रॉन्ग है राइट right? अगर इंटरेस्ट ज्यादा है तो कैश या मनी होल्ड करने की डिमांड कम होती है बी पीपल विल एक्सपेक्ट द इंटरेस्ट रेट टू राइज नहीं अगर करेंट इंटरेस्ट रेट हाई है तो फ्यूचर में फॉल होने की एक्सपेक्टेशन होती है ठीक है सो so, ये भी अगेन गलत है ऑप्शन सी कह रहा है कि पीपल विल एक्सपेक्ट द इंटरेस्ट रेट टू फॉल करेक्ट है एंड द बॉन्ड प्राइस टू राइज ये भी करेक्ट है राइट सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी Question number 12. The inventory theoretic approach to the transaction demand for money A explains the negative relationship between money demand and the interest rate B explains the positive relationship between money demand and interest rate C explains the positive relationship between money demand and general price level Yaffe D explains the nature of expectation of people with respect to interest rate and bond prices देखिए जो इन्वेंट्री थ्योरिटी का अप्रोच है ना इसमें आ, क्या माना जाता है कि देखिए मनी को यहाँ पे एज ए इन्वेंट्री देखा जाता है फॉर कंडक्टिंग ट्रांजेक्शन ठीक है या फिर मनी को एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू देखा जाता है अब देखिए ये थ्योरी का मानना है कि वैल्यू स्टोर करने के लिए ना लोगों के पास दो ऑप्शन होती है एक तो मनी हो गया ठीक है और दूसरा होता है एनी इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंशियल एसेट तो ये दो चीजों में वो अपना वैल्यू स्टोर कर सकते हैं अब देखिए जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो लोग यूजुअली फाइनेंशियल एसेट इंटरेस्ट बेयरिंग फाइनेंशियल एसेट में अपना जो वेल्थ है वो होल्ड करना चाहेंगे ठीक है क्योंकि यहाँ पे उनको इंक्रीजिंग इंटरेस्ट का फायदा हो रहा है लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो वो वैल्यू स्टोर करना चाहेंगे इन द फॉर्म ऑफ मनी तो देखिए अगर इंटरेस्ट कम है तो मनी यूज करेंगे राइट तो यहां पे इनपर्स रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिलता है बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड द डिमांड फॉर मनी सो करेक्ट ऑप्शन यहां पे होगा हमारा ऑप्शन ए इट इज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन मनी डिमांड एंड इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन नंबर थर्टीन अकॉर्डिंग टू बामोल एंड टॉबिंग अप्रोच फॉर डिमांड ऑफ मनी द ऑप्टिमल एवरेज मनी होल्डिंग इज ए अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम एंड द प्राइस लेवल देखिए ये करेक्ट है पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम का मतलब होता है कि अगर हायर इनकम है तो लोग ज्यादा मनी की डिमांड करेंगे इज ट्रू एंड प्राइस लेवल देखिए अगर चीजों की प्राइस ज्यादा है तो लोगों को ज्यादा मनी चाहिए होता है ट्रांजेक्शन करने के लिए चीजें खरीदने के लिए राइट तो प्राइस लेवल हाई है तो मनी की डिमांड भी हाई होगी सो दिस इज करेक्ट एक अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन कॉस्ट देखिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होता है कि बॉन्ड को मनी में कन्वर्ट करने का जो खर्चा होता है ना उसको हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं बेसिकली आप इसको ब्रोकरेज फी मान लो ठीक है तो अगर ब्रोकरेज फी ज्यादा है ना तो लोग ज्यादा बॉन्ड में पैसा नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उनको पता है कि बाद में अगर मुझे बॉन्ड को मनी में कन्वर्ट करना पड़े तो मुझे ज्यादा ब्रोकरेज फी देना पड़ेगा तो इससे बेटर तो है कि मैं एज अ मनी ही मनी को होल्ड करूँ तो इसलिए अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट हायर है तो मनी को मनी के रूप में ही होल्ड करने की डिमांड ज्यादा होगी बॉन्ड के रूप में होल्ड करने की डिमांड कम होगी सो पॉजिटिव फंक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज ऑल्सो करेक्ट एंड सी अ नेगेटिव फंक्शन ऑफ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ये भी करेक्ट है देखिए अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो फिर लोग बॉन्ड में होल्ड करना चाहेंगे ठीक है और अगर इंटरेस्ट कम है तो लोग मनी को मनी के रूप में ही रखना चाहेंगे So it is a negative function of the nominal interest rate it is also correct. So all of these options are correct. So correct option would be all of the above. Question number fourteen. Dash considered demand for money as an application of a more general theory of demand for capital assets. A Bamol, B James Tobin C J M Keynes, Yafe D. Milton Friedman. देखिए आंसर ट्रीटमेंट मिल्टन ट्रीटमेंट का मानना था कि डिमांड फॉर मनी उसी तरह से फंक्शन करती है एज डिमांड फॉर कैपिटल एसेट आप कोई भी जब आप एसेट खरीदते हो तो आप क्या क्या चीजें कंसिडर uh, करते हो यू डिमांड कैपिटल एसेट तो वो सेम चीजें आप कंसिडर करते हो यू डिमांड फॉर मनी तो क्या चीजें कंसिडर करते हो पहले तो आप अपनी परमानेंट इनकम कंसिडर करते हो राइट right? कि आपकी परमानेंट इनकम क्या है आपकी करेंट इनकम कितनी है और फ्यूचर की इनकम कितनी है तो ये देख के हो एंड सेकेंड आप रिटर्न देखते हो राइट right? कि मुझे एसेट खरीद के कितना रिटर्न मिलेगा एंड साथ साथ पे आप रिस्क भी कंसिडर करते हो कि क्या वहाँ पे कोई रिस्क है कि नहीं तो सेम यही दो चीजें आप मनी के डिमांड करते वक्त भी कंसिडर करते हो ऐसा मिल्टन फ्रीडमैन का मानना था कि मनी की डिमांड भी डिफेंस के लोगों की इनकम कितनी है परमानेंट इनकम कितनी है ठीक है अगर ज्यादा है तो ज्यादा डिमांड करेंगे कम है तो कम और लोग ये भी देखते हैं कि मनी होल्ड करने का रिटर्न या रिस्क क्या है ठीक है तो ये चीजें कंसिडर करके ही वो मनी की डिमांड करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन द नॉमिनल डिमांड फॉर मनी राइजेस इफ ए द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर मनी होल्डिंग दैट इज बॉन्ड एंड स्टॉक R B and R E respectively decline and vice versa. B the opportunity cost of money holding that is bonds and stock returns, R B and R E respectively rises and vice versa. C The opportunity cost of money holding, that is bond and stock returns, R B and R E respectively remain constant, Ya fair D B and C above. देखिए मनी की डिमांड तब इंक्रीज होती है जब मनी होल्ड करने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कम होती है राइट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है बेसिकली दैट इज द रिटर्न ऑन बॉन्ड्स एंड एंड स्टॉक स्टॉक देखिए अगर बॉन्ड होल्ड करने पे आपको अच्छा रिटर्न आ रहा है तो आप बॉन्ड एंड स्टॉक ही होल्ड करना चाहोगे आप मनी कम होल्ड करना चाहोगे राइट लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम है यानी कि बॉन्ड एंड स्टॉक में ज्यादा रिटर्न नहीं है तो तब जाके लोग मनी की ज्यादा डिमांड करते हैं यानी लोगों को लगता है कि मनी होल्ड करने में ज्यादा फायदा है राइट? सो इट रिलेटेड। ओके, तो जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिक्लाइड ओके अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप हमारे मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो हमने एक बंडल निकाला है मॉक टेस्ट का जहाँ पे आपको टू सेट्स ऑफ मॉक टेस्ट मिलेगा जो आप घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप में या फोन के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो देखिए ईच सेट में आपको हंड्रेड क्वेश्चन मिलेगा ठीक है जो आपकी इंस्टीट्यूट की न्यू सिलेबस है जिसमें ईच चैप्टर की वेटेज जो दी गई है तो उसी हिसाब से हमने क्वेश्चन बनाया है क्वेश्चन काफ़ी चैलेंजिंग है आपको करने में मज़ा भी आएगा और हर टेस्ट के एंड में आपको आपका स्कोर भी दिख जाएगा तो इससे आपको अपनी प्रीपेडनेस लेवल भी पता चलेगी स्कोर देखने के बाद आप टेस्ट को रिव्यू कर सकते हो कौन से क्वेश्चन आपने राइट right किया कौन सा रॉन्ग किया ये सब देख सकते हो हर क्वेश्चन के पीछे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा वो भी आप पढ़ सकते हो और आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो और ये बंडल आपको अवेलेबल है सिर्फ वन ट्वेंटी रुपीज़ में बहुत ही नॉर्मिनल प्राइस हमने रखा है ताकि सब अफोर्ड कर पाए और इसकी वन एटी डेज़ की वैलिडिटी है यानी कि वन एटी डेज़ में आप कभी भी टेस्ट ले सकते हो और टेस्ट लेने के बाद आप बार बार रिवाइज भी कर सकते हो डेज के अंदर आप लॉग इन करो, करो, रिवाइज देखो आपने पे पहले किया था, सारे एक्सप्लेनेशन पढ़ो तो ये सब आप कर सकते हो ठीक है टेस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको कोई भी क्वेरी हो टेस्ट के रिलेटेड या ऐसे भी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे ई मेल में मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो विद एंड ऑफ वीडियो आई होप आपको सारे MCQs समझ आ गए होंगे अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप कॉमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं वी विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट्स और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून तो तब तक, तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर